हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CE402 कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा पूरा जो है मैसनरी वर्क पर फोकस रहेगा। मैसनरी वर्क का मतलब होता है जो भी हम स्टोन ब्लॉक्स या ब्रिक ब्लॉक्स, मड ब्लॉक्स या कंक्रीट ब्लॉक्स से हम जो भी दीवारों का काम करते हैं, दीवारों की चुनाई करते हैं, उसको हम मैसनरी वर्क बोलते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से अलग अलग टाइप की मैसनरी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिक मैसनरी वर्क में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैसनरी वर्क है। तो इसके भी जो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट ब्रिक्स का रहता है, तो वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में रहता है, वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी हम पढ़ेंगे ब्रिक मैसनरी वर्क में। और फिर इसके बाद हम स्टोन मैसनरी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन के साथ भी मैसनरी बहुत ही सुंदर बनती है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है, तो स्टोन मैसनरी देखेंगे। और फिर कुछ हमारे साउंड इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेशन के हिसाब से कैविटी वॉल्स बनाते हैं, जिसमें हम बीच में एयर गैप रख देते हैं मैसनरी के वर्क में, तो वो हम ब्रिक कैविटी वॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और हमारे जो IS कोड में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं ब्रिक मैसनरी के बारे में, या ब्रिक कैविटी वॉल्स के बारे में, या लोड बेयरिंग वॉल्स के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। और जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं, तो क्या क्या कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं और उनको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये मैसनरी वर्क को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और इसमें हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड और IS कोड क्या रिकमेंडेशन देते हैं, उनको हम देखते हुए हम स्टोन मैसनरी वर्क और ब्रिक मैसनरी वर्क का डिज़ाइन भी देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। फिर जब ये मैसनरी वर्क का काम हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर जो कवर हम लगाते हैं प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, तो प्लास्टरिंग में हमने पूरा दीवार का अपना जो कवर करते हैं और पॉइंटिंग में से जॉइंट्स को कवर करते हैं, तो इसलिए किसके लिए भी हमने एक पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करके रखा हुआ है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के बारे में। अब प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के बाद अगर उसके ऊपर कलर न करें तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वाइट वॉश, कलर वॉश के ऊपर एक चैप्टर हमने रखा है। फिर डिस्टेम्परिंग के ऊपर हमने चैप्टर करके रखा हुआ है। फिर यूजुअली एक अपना जो एक प्रॉब्लम आती है हमारे घरों में डैम्पनेस की, तो डैम्पनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमने एक चैप्टर रखा है डैम्पनेस एंड इट्स प्रोटेक्शन का। फिर अदर जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, इसके ऊपर भी हमने एक चैप्टर रखे छोड़ा तीनों के लिए अलग अलग, और उनके टाइप्स ऑफ मटेरियल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, फिर डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स में कौन कौन सी फिटिंग्स लगती हैं, इसके बारे में भी हमने एक चैप्टर रखा है। फिर हमारे डोर्स, विंडोज और वेंटिलेटर्स में क्या कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं, उसके लिए भी हमने एक चैप्टर रखा है। फिर इनके ऊपर जो हम सनशेड्स लगाते हैं, और नई टेक्निकल टर्म्स आप देखोगे सील्स एंड जैम्स, जिनको अभी तक आपने नाम भी नहीं सुनेंगे, उसके बारे में भी हमने एक चैप्टर यहाँ पर रखा हुआ है। फिर जो नए टाइप के हमारे डोर फ्रेम्स रहते हैं वुडन फ्रेम्स के अलावा, RCC डोर और फ्रेम फॉर विंडोज, इसके लिए भी हमने एक चैप्टर रखा है। फिर हमारे स्टेयर केस के ऊपर एक पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, तो टाइप्स ऑफ स्टेयर केस, कौन कौन सी हमारी स्टेयर केसेज हैं जिसको कि हम यूज करते हैं। तो आप को पूरा जितना भी एलिमेंट्स हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगता है, इस चैप्टर में आपके सारे एलिमेंट्स की, सुपरस्ट्रक्चर की सारी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और ये आगे के लेक्चर्स आप देखते रहेंगे, तो आपका नॉलेज काफ़ी एनहांस हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उनकी आपकी पूरी टेक्निकल डिटेल्स आपको पता पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।